कुछ लोग औकात से बड़े सपने देखते हैं। मैं हैव द प्लेजर ऑफ अ डांस। अब उठोगी या क्रेन मंगवाएं उठाने के लिए? भगवान, क्या करें हम इस लड़की का, अब उठोगी कि नहीं? क्या यार मम्मी। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी ना कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है। मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा, और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था, और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही, और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है। जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है, जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं, मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है, और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं, और फिर उनकी ज़िंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी ना कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है। मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा, और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था, और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही, और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है। जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है, जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं, मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है, और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं, और फिर उनकी ज़िंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी ना कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है।
मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा, और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेनस्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था, और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही, और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है, जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है, जो अपना नोबेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं, मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है, और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं, और फिर उनकी ज़िंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है, मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा, और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेनस्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था, और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही, और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है, जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है, जो अपना नोबेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं, मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है, और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं, और फिर उनकी ज़िंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है, मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा, और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेनस्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था,
और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है। जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेवल लॉन्च करने की तैयारी में है और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं और फिर उनकी ज़िंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी ना कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है। मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है। जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेवल लॉन्च करने की तैयारी में है और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं और फिर उनकी ज़िंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी ना कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है। मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ
डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही, और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है। जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है, जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं, मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है, और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं, और फिर उनकी ज़िंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है। मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा, और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था, और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही, और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है। जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है, जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं, मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है, और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं, और फिर उनकी ज़िंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है। मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा, और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था, और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही, और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है। जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं।
राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है, जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं, मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है। और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है, मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं। और फिर उनकी जिंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है, मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा, और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था, और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही, और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है, जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है, जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं, मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है, और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है, मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं, और फिर उनकी जिंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है, मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा, और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था, और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही, और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है, जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है, जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है।
इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं, मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है, और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं, और फिर उनकी जिंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है, मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा, और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेनस्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था, और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही, और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है, जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है, जो अपना नोबेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं, मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है, और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं, और फिर उनकी जिंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है, मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा, और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेनस्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था, और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही, और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है, जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है, जो अपना नोबेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं, मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है, और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में
शॉर्टलिस्ट कर लिया है, मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं और फिर उनकी जिंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है, मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है, जबकि दादी सुबह कोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है, जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं, मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है, मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं और फिर उनकी जिंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है, मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है, जबकि दादी सुबह कोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है, जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं, मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है, मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं और फिर उनकी जिंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है,
मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने का और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा, और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था, और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही, और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है, जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है, जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं, मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है, और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं, और फिर उनकी ज़िंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है, मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने का और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा, और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था, और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही, और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है, जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है, जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं, मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है, और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं, और फिर उनकी ज़िंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है, मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने का और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा, और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था,
और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है। जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं और फिर उनकी ज़िंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है। मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है। जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं और फिर उनकी ज़िंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है। मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ
डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही, और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है। जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है, जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं, मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेवल लॉन्च करने की तैयारी में है। और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं, और फिर उनकी जिंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी ना कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है। मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा, और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था, और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही, और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है। जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है, जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं, मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेवल लॉन्च करने की तैयारी में है, और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं, और फिर उनकी जिंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी ना कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है। मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा, और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था, और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही, और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है। जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं।
राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है, जो अपना नोबेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं, मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है, और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं, और फिर उनकी ज़िंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है, मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा, और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था, और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही, और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है, जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है, जो अपना नोबेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं, मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है, और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं, और फिर उनकी ज़िंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है, मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा, और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था, और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही, और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है, जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है, जो अपना नोबेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है।
इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं। मगर समाज और आसपास के लोगों से उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है। और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं और फिर उनकी जिंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है। मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है, जबकि दादी शोभा खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है जो अपना नोबेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं मगर समाज और आसपास के लोगों से उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं और फिर उनकी जिंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है। मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है, जबकि दादी शोभा खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है जो अपना नोबेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं मगर समाज और आसपास के लोगों से उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है।
सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है। और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं। और फिर उनकी जिंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है। मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेनस्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है। जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है जो अपना नोबेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं। मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं और फिर उनकी जिंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है। मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेनस्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है। जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है जो अपना नोबेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं। मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं और फिर उनकी जिंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है।
दोस्तों बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है, मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है, जबकि दादी सुबह कोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं, मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं और फिर उनकी ज़िंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है, मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है, जबकि दादी सुबह कोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं, मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं और फिर उनकी ज़िंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है, मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा
और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती है। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है, जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेवल लॉन्च करने की तैयारी में है और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं और फिर उनकी ज़िंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है। मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के हिस्सा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिस्सा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है, जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेवल लॉन्च करने की तैयारी में है और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं और फिर उनकी ज़िंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है। मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के हिस्सा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिस्सा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य
इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैसी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है। जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं और फिर उनकी ज़िंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है। मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैसी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैसी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है। जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं और फिर उनकी ज़िंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है। मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैसी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैसी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही
और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है, जबकि दादी सुबह कोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है, जो अपना नोबेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं, मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेवल लॉन्च करने की तैयारी में है। और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है, मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं। और फिर उनकी जिंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी ना कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है, मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा, और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था, और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं, तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही, और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है, जबकि दादी सुबह कोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है, जो अपना नोबेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं, मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेवल लॉन्च करने की तैयारी में है, और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है, मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं, और फिर उनकी जिंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी ना कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है, मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा, और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था, और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं, तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही, और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है, जबकि दादी सुबह कोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो।
वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है, जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं, मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है। और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है, मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं। और फिर उनकी जिंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है, मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा, और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था, और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही, और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है, जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है, जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं, मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है, और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं, और फिर उनकी जिंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है, मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा, और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था, और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही, और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है, जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है, जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं, मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर
एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है। और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं। और फिर उनकी जिंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है। मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है। जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है जो अपना नोबेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है। और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं और फिर उनकी जिंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है। मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है। जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है जो अपना नोबेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है। और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं और फिर उनकी जिंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं
और उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है, मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा, और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेनस्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था, और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही, और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है। जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है, जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं, मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है, और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं, और फिर उनकी ज़िंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है, मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा, और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेनस्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था, और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही, और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है। जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है, जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं, मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है, और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं, और फिर उनकी ज़िंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है, मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी
तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती है। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है, जबकि दादी सुबह कोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है, जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं, मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं और फिर उनकी ज़िंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है, मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है, जबकि दादी सुबह कोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है, जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं, मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं और फिर उनकी ज़िंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है, मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा।
फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है, जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है, जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं, मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेवल लॉन्च करने की तैयारी में है और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं और फिर उनकी ज़िंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है, मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेनस्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है, जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है, जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं, मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेवल लॉन्च करने की तैयारी में है और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं और फिर उनकी ज़िंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है, मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेनस्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है।
माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है, जबकि दादी सुबह कोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है, जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं, मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है। और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है, मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं और फिर उनकी ज़िंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है, मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं, तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है, जबकि दादी सुबह कोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है, जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं, मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है, मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं और फिर उनकी ज़िंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है, मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं, तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है, जबकि दादी सुबह कोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है।
हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है, जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं, मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेवल लॉन्च करने की तैयारी में है। और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है, मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं। और फिर उनकी जिंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी ना कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है, मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा, और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था, और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही, और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है, जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है, जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं, मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेवल लॉन्च करने की तैयारी में है, और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं, और फिर उनकी जिंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी ना कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है, मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा, और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था, और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही, और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है, जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है, जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं,
मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है। और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं। और फिर उनकी जिंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है। मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है। जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं और फिर उनकी जिंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है। मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है। जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है।
मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं और फिर उनकी जिंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है, मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है, जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं, मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेवल लॉन्च करने की तैयारी में है और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं और फिर उनकी जिंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है, मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है, जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं, मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेवल लॉन्च करने की तैयारी में है और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं और फिर उनकी जिंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है,
मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेनस्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है, जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है, जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं, मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं और फिर उनकी ज़िंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है, मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेनस्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है, जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है, जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं, मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं और फिर उनकी ज़िंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है, मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेनस्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था
और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है, जबकि दादी सुबह कोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है, जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं, मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है। और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है, मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं। और फिर उनकी ज़िंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है, मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है, जबकि दादी सुबह कोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है, जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं, मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है। और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है, मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं और फिर उनकी ज़िंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है, मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ
डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही, और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है। जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है, जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं, मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है, और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं, और फिर उनकी ज़िंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है। मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा, और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेनस्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था, और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही, और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है। जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है, जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं, मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है, और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं, और फिर उनकी ज़िंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है। मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा, और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेनस्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था, और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही, और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है। जबकि दादी सुबह खोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं।
राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है, जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं, मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है। और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है, मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं। और फिर उनकी जिंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, बॉडी शेमिंग आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना पड़ता है, मगर इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फन्ने खा और दम लगा के ऐसा जैसी कम ही फिल्में बनी हैं। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म फैट फोबिया को लेकर होगी तो फिल्म के नायक या नायिका को किरदार में वजनदार दिखना होगा, और वजन बढ़ाकर पर्दे पर आने का दुस्साहस मेन स्ट्रीम की हीरोइन कम ही करती हैं। दम लगा के हिसा में भूमि पाटनेकर ने 15 किलो वजन बढ़ाया था, और अब निर्देशक सतराम रामानी की फिल्म डबल एक्सल के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को भी तकरीबन इतना ही वजन बढ़ाना पड़ा। फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इससे खुद को आइडेंटिफाई किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरठ की राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी गहरी नींद में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ डांस करने का मीठा सपना देख रही होती हैं। तभी उनकी माँ अलका कौशल हल्ला करके बेटी को जगा देती है। माँ बेटी की शादी की चिंता में आधी हुई जा रही है। बेटी 30 पार कर चुकी है मगर उसकी शादी नहीं हो रही, और उसकी माँ इसका वजह अपनी बेटी का मोटापा मानती है, जबकि दादी सुबह कोटे और पिता कमलजीत अपनी हष्टपुष्ट बेटी को लेकर कूल हैं। राजश्री को शादी का कोई शौक नहीं है, उसे तो सिर्फ क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। हालांकि उसकी माँ दिन रात एक ही बात करती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर सायरा खन्ना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा है, जो अपना नोवेल लॉन्च करने का सपना रखती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जिम और फिटनेस का आशिक है। इन दोनों ही लड़कियों की परवरिश और सपने अलग अलग हैं, मगर समाज और आसपास के लोग उन्हें अपने मोटापे को लेकर एक ही तरह की हीनता महसूस होती है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लंदन में अपना फैशन लेबल लॉन्च करने की तैयारी में है, और इधर एक लीडिंग चैनल ने राजश्री को भी स्पोर्ट प्रेजेंटर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि अपनी साइज के कारण दोनों के ही सपने चूर चूर हो जाते हैं, और फिर उनकी जिंदगी में जोई और श्रीकांत आते हैं और उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है।